सोनभद्र, कीमती लकड़ियों के साथ तीन तस्करों को वन विभाग की टीम ने दबोचा, एक आरोपी फरार। आरोपियों के पास से एक GCM गाड़ी से कत्थे की बेशकीमती लकड़ी बरामद। बाजार में लकड़ी की कीमत कई लाख में बताई जा रही है। नुआकोट रेंज क्षेत्र के काशीपुर से मिर्जापुर ले जाया जा रहा था अवैध कत्थे की लकड़ी। मुखबिर की सटीक सूचना पर बघनरदेहा मोड़ के पास तलाशी में हुआ बरामद। वन विभाग ने वन अधिनियम के तहत मुकदमा किया दर्ज। नुआकोट वन रेंज क्षेत्र के आरंगपानी गांव के काशीपुर टोले का मामला। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। महाराज जी, धर्म प्रकाश, ये कहाँ से लकड़ी लदवाए थे? काशीपुर पे लदा है। किसके कहाँ से? शिव कुमार। तो तुम क्या कर रहे थे लकड़ी के साथ? सर, हम को आज पकड़ के लाया था वो लाइट में, बोला चलो कुछ काम है, तो वो लकड़ी लदवाने लगा। शिव कुमार तुमसे लदवा रहा था? हाँ, उसके बाद फिर रास्ता छिपा ये लोग बांध रहे थे, तो फोन किया, बोल रहा है चलो आओ कपड़ा पहनो चलना है। गए हम पूछे तो नहीं बताया वो, फिर कपड़ा पहना के लाया वो, तो बोल रहा है कि रावतसगंज जाना है गाड़ी के साथ में। कौन कहा? शिव कुमार बोला। अरे, एक DCM लकड़ी पकड़ाई है, क्या मामला है? हम लोग दो तीन दिन से इस गाड़ी के चक्कर में घूम रहे थे, कल रात में मुखबर द्वारा सूचना मिली कि गाड़ी आ रही है, तो हम लोग किरमिल के पास लग के इस गाड़ी को सुबह हम लोग पकड़ लिए। लगभग इसमें कितना लकड़ी है सर? तो बता, इसकी मार्केट में क्या अभी वैल्यू होगी? 3-4 लाख रुपए होगी। 3-4 लाख रुपए की है।